हेलो स्टूडेंट, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के एग्जांपल नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्या बोलता है। सो दैट 1.272727 डिस इज इक्वल टू 1.27 पे बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स जो आपको नंबर देके रखा है 1.272727 डिस या फिर इसको 1.27 पे बार भी लिख सकते हैं, उसको आपको किस टाइप में एक्सप्रेस करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पर क्या देके रखा है पी एंड क्यू आपको इंटीजर नंबर है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है कि जो 1.27 पे बार है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है। पी बाई क्यू का फॉर्म मीन्स आपको रेशनल बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको हम क्या सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 1.27 पे बार। अब इसको हमने 1.27 पे बार को x सपोज कर लिया, इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो डेसिमल है 1.27 पे बार है, तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट पे बार है, तो यहाँ पर 2 डिजिट पे बार है, तो हम इसका बेस कितना लेंगे 100। और अगर आपके पास में 3 डिजिट पे बार रहता तो इसका जो हम लोग बेस लेते हैं 1000 लेते हैं। जितने डिजिट पे बार होगा उतना हम क्या लेंगे, उतने जीरो लेंगे 1 के बाद में, मतलब बेस के लिए। तो हमारे पास में क्या हुआ कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पर हम इसका बेस कितना लेंगे 100। अब इस 100 का क्या करेंगे, तो 100 का हम क्या करेंगे, 100 का जो इक्वेशन 1 के बोथ साइड में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 100 मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। तो हम देखते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 इंटू 1.27 पे बार। अब ये 100x जैसा का वैसा रहेगा। अब ये 100 हमारे पास में क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.27 पे बार है, तो इसको हम क्या चेंज कर रहे हैं, देखिए 1.2727 डेस भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डेसिमल वाला नंबर है 1.2727 पे। तो अब यहाँ पर 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब ये जो 2 जीरो देके रखे है तो हमारे पास में ये जो डेसिमल है वो क्या होगा, 2 डिजिट आगे बढ़ेगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 1000 का तो डेसिमल राइट साइड में बढ़ता है और हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में बढ़ता है। तो हमारे पास में क्या होगा कि जब ये 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2727 पे 27 डेस पर, तो यहाँ पर ये जो डेसिमल है वो कितने डिजिट आगे बढ़ेगा, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 127.27 और फिर डेस ये तो चलते ही रहेगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो 100x हो गया, अभी 100x नेक्स्ट स्टेप का जो जैसा का वैसा आ गया। अब ये जो 100x है और ये 127.27 है हमारे पास में, अब ये 27 भी लिख सकते हैं इसको। तो 100x इज इक्वल टू 127.2727 डेस। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, सेकेंड। अब हम यहाँ देखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड बिग है एंड हमारे पास में क्या है, इक्वेशन जो 1 है वो क्या है, स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे। अभी इक्वेशन में बोथ साइड है हमारे पास में, बोथ साइड है, तो हम क्या करेंगे कि जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 100x में से क्या माइनस होगा, x LHS में से LHS माइनस होगा और RHS में से RHS माइनस होगा। तो 100x है हमारे पास में, देखिए 100x में से कितना माइनस होगा, x हो जाएगा। और ये जो 127 है ये पहले लिखेंगे 127.27.27, डेसिमल के बाद में 11 डिजिट को पढ़ा जाता है, डेस 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 हो जाएगा। और इसमें से हम कितना माइनस करेंगे,
1.27 पे बार। अब इसमें क्या चेंज करेंगे देखिए, 127.2727 है यहां पर डेस 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 डेस, और इसमें से कितना माइनस करना है हमको, इसको भी हम कैसा लिख सकते हैं, 1.27 पे बार है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2727 डेस 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 लिख सकते हैं। वो इसलिए 2727 लिखा है ताकि यहां पर हमको माइनस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे माइनस करेंगे देखिए, जब भी आपको डेसिमल वाले नंबर माइनस करना होगा तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास में, देखिए 2727 पढ़ेंगे डेस डेस डेस, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, ये बिग नंबर है स्मॉल नंबर है। अब यहां पर क्या होगा, जब भी माइनस करना है माइनस करना होता है आपको डेसिमल वाले, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो कितना जाएगा 1.2727 डेस डेस डेस। अब इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे देखिए, यहां पर क्या होगा, 7 में 7 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहां पर 2 और यहां पर 1, मींस 126.00, और 126.00 को 126 लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 माइनस करने पर, और ये 100x है, 100x में से 1x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 99x, तो यहां पर कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। अब ये 99x जैसा का वैसा, अब ये ट्रांसफर यहां से देखिए कि 99x है, मींस x के इंटू में क्या है 99 है, तो इंटू का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा डिवाइड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 126 अपॉन में क्या जाएगा 99। अब यहां पर 99 आ गया, अब इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग कैसे, किसी नंबर से कट हो रहा है क्या देखते हैं हम लोग, 2 से यहां पर कट हो जाएगा क्या, देखो 2 के डिवाइड का रूल है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो उसमें चला जाएगा, बट यहां पर तो 6 है तो चला तो जा रहा है, लेकिन यहां 9 है तो यहां नहीं जाएगा। ये जो डिवाइड का रूल होता है अपॉन वाले में, तो इसमें किसी एक नंबर से ही डिवाइड होगा, मींस हमारे पास में अगर हम 2 से दे रहे तो 2 से डिवाइड ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो इसके लिए हमारे पास में क्या करेंगे देखिए, हम 3 से डिवाइड लगा के देखते हैं, तो 3 से जाएगा यहां पर भी और यहां से भी चला जाएगा, तो 3 से देख के देखते हैं, देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको कट करते हैं, 3 4 12, 3 2 6, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9। अब यहां पर फिर 3 से जा रहा है क्या, तो यस 3 से जाएगा, तो x की वैल्यूज कितनी आएगी पहले देखते हैं, 42 अपॉन में कितना आ गया 33 आ गया। अभी फिर 3 से फिर कट हो रहा है, तो देखें 3 1 3, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो 3 4 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पास में 14 अपॉन में कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब 14 अपॉन 11 में आ जाएगा, तो अब यहाँ कट हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है कट, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा x की वैल्यूज आ जाएगी, और ये जो x की वैल्यूज जो रहेगी वही क्या होगा 1.27 पे बार पे क्या होगा हमारे पास में, उसका जो है वो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। तो हम इसको लास्ट में हैंस करके क्या लिखेंगे, हैंस हैंस कितना हो जाएगा हमारे पास में x सॉरी 1.27 पे बार इज इक्वल टू 14 अपॉन में 11, मींस जो हमारे पास 127 पे जो बार 27 पे जो बार है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो पी बाई क्यू का फॉर्म है, वो 14 अपॉन में 11 है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।